नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा पीएम को पनौती कहे जाने पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये उनका बचपना बयान है, उनमें गंभीरता नहीं है। कांग्रेस की यही कमी है कि वो नरेंद्र मोदी फैक्टर में जी रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही मोदी का पिछड़ा है, गरीब होने पर टिप्पणी करती आई है। वहीं सारंग ने सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। देश के संविधान को जानते हैं ना, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर क्या कहना है वो जानते हैं। तो ये कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस मोदी फियर फैक्टर में जो जी रही है। कांग्रेस को मोदी जी का इतना डर है कि कभी उनके पिछड़े वर्ग के होने पर टिप्पणी की जाती है, कभी उनके गरीब होने पर टिप्पणी की जाती है। इसका जवाब जनता दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब नतीजों का इंतजार है। मतदान के बाद नेता और उम्मीदवार फुर्सत के पल बिता रहे हैं। इसी बीच दमोह विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चाहत पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो जबरदस्त डांस करती हुई दिखाई दे रही है। 1 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो में चाहत पांडे ने जबरदस्त डांस किया। आप प्रत्याशी चाहत पांडे फिल्म सिम्बा के गाने लड़की आंख मारे सॉन्ग पर डांस करती नजर आई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हुआ है। सागर से खबर है, जहां पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। तीनों बच्चे एकादशी पर नहाने के लिए गए थे, जहां नहाते समय वो गहरे पानी में चले गए और डूब गए हैं। मृतकों में 2 सगे भाई हैं और उनका एक दोस्त भी शामिल है। घटना सागर जिले के बीना आगासौ थाने की बताई गई है और जानकारी के मुताबिक पानी में भरे गड्ढे में 2 सगे भाई दीपक और संजय अपने दोस्त मानवीर के साथ नहाने गए थे। इस दौरान वो गहरे पानी में चले गए और डूब गए। तीनों मासूम बच्चे के शव पानी में तैरते हुए मिले और घटना की जानकारी तब लगी जब गांव की एक बुजुर्ग महिला गड्ढे में कपड़े धोने के लिए गई थी। बुजुर्ग महिला ने देखा कि बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं और शव पानी में तैर रहे हैं। उसने गांव में जाकर परिजनों और लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों ही बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के देवनगर इलाके में एक युवक ने अपनी कथित प्रेमिका के घर जाकर खुद को गोली मार ली है। पेट में गोली लगने के बाद गंभीर रूप से युवक को जयारोग्य चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं घायल नीरज और विकास परिहार गड्ढे वाले मोहल्ले का है। वो सुबह बाइक पर अपने 2 दोस्तों के साथ देवनगर में अपनी कथित प्रेमिका युवती के घर पहुंचा और युवती ने विकास उर्फ नीरज को घर से चले जाने को कहा तो उसने कट्टा निकाल लिया। इस पर युवती ने युवक को कमरे में बंद कर दिया और अपनी मां को फोन लगा दिया। इस बीच नीरज उर्फ विकास ने कट्टे से अपने पेट में गोली मार ली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विकास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाहित युवती को विकास पहले भी अपने साथ भगा ले गया था। युवती से विकास की पुरानी पहचान है, लेकिन वो अब उसके साथ नहीं रहना चाह रही है। इसी को लेकर विकास शुक्रवार की सुबह उसके देवनगर स्थित घर पर पहुंच गया और अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाने लगा। छोड़ नहीं, मैं इसको तेरे को छोड़ना पड़ेगा, तू काला है, तू नहीं लगा। उसके बाद वो ड्यूटी पे जाता है ना, जो उसके घर पे जाकर घुस जाता है। आज जो गया, आज ना कहा तू चलाया, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, कह रहे तेरी मौजी को किडनैप कर रहा है, मेरे को 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को पैसे दे और नहीं तो मैं तेरे को अभी यहीं पे गोली मारता हूँ। इसमें साहब वो आचार संहिता लगी, इस पर हथियार आए कहाँ से? ये लड़का है जी, जो जाएगा वही गड्ढे वाले मोहल्ले में रहता। इस लड़के का नाम था विकास परिहार। अरे हमारी लड़की रहती है, बड़ी बेटी मेरी रहती है भाई, अभी उसके दामाद मेरे खत्म हो गए 2 महीने पहले। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी गिरराज प्लाजा के पास बीती रात पैसों के लेन देन में विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई है। घायल युवक को इलाज के लिए जयारोग्य चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार है, वही पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। दरअसल अनूप गुर्जर निवासी गिरगांव का अजीत गुर्जर के साथ पैसों को लेकर
विवाद चल रहा था। अनूप गुर्जर बुधवार रात को अपने दोस्त अनिल यादव के साथ डीडी नगर गेट के पास खड़ा था, तभी अजीत का उसके पास फोन आया और अजीत ने उसे शिव कॉलोनी के गिरिराज प्लाजा के पास मिलने बुलाया। अनूप और अनिल यादव गिरिराज प्लाजा पहुंच गए, जहां अजीत के साथ भोला गुर्जर, देवू गुर्जर और मोनू पंजाबी नाम के युवक खड़े थे। इन लोगों के बीच पैसे को लेन देन को लेकर गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसके बाद भोला गुर्जर ने पिस्तौल निकालकर अनिल यादव पर फायर कर दिया। गोली उसके पेट के दाईं ओर लगी, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। वहीं अनूप गुर्जर अपने दोस्त ने अनिल यादव के साथ अस्पताल पहुंचकर उसे भर्ती कराया। देर रात पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। पंजीवृत किया गया धारा 307 का चार लोगों के विरुद्ध। गुर्जर समाज के दो मित्र थे, आपस में उनका पैसे का लेन देन था। उस पैसे की लेन देन की बात पर से दोनों में बातचीत चल रही थी और कल रात को पैसे की देने के लिए उसने वहाँ पे बुलाया उसको, और उसी बीच में आपसी ज़्यादा बहस बढ़ गई और बहस पैसे जो उसके साथ में आया था, तो उस व्यक्ति ने पिस्टल निकाल के एक अनिल यादव नामक उसके जो साथी था। अगर आपके फोन में निजी और अंतरंग पल कैद हैं, तो उन्हें बेहद सुरक्षित ढंग से रखने की जरूरत है, अन्यथा आपका नजदीकी ही आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। एक ऐसे ही ताजा मामला ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस ने ट्रेस किया है, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। इस महिला ने अपनी ही रिश्तेदार महिला के निजी और अश्लील फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से की थी। वही पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए साइबर टीम का गठन भी किया। इसके साथ ही पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और IT एक्सपर्ट्स की मदद से फरियादी महिला के रिश्तेदार को पकड़ लिया है, और पता चला कि ये महिला पारिवारिक द्वेष के चलते पीड़ित महिला को बदनाम करने के मकसद से उसके फोटो और वीडियो वायरल कर रही थी। वहीं साइबर क्राइम टीम ने आरोपी महिला के मोबाइल की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है कि उसने किन किन लोगों को ये वीडियोस भेजे हैं, इसके अलावा किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अश्लील वीडियो और फोटोज डाले गए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने लोगों को आगाह किया कि अगर वो अपने निजी और कुछ ऐसे पलों को कैद करते हैं, तो किसी भी सूरत में उसे अनजान व्यक्ति को ना भेजे। ऐसे पलों को सिक्योरिटी फीचर के साथ या अपने मोबाइल में रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के जरिए उसे सेफ रखें, अन्यथा अन्य लोग भी इस तरीके की परेशानी में आ सकते हैं। और अपराध पंजीवृत कर टेक्निकल आधार पर उसके जो व्हाट्सएप जिस नंबर से उसको किया गया था व्हाट्सएप, उसके आधार पर टेक्निकल आधार पर ट्रेस करने पर एक महिला का नंबर सामने आया। उससे पूछताछ करने पर उनकी नज़दीक की रिश्तेदार थी और उनके आपसी बेमनस्ता और द्वेषता के कारण उसको बदनाम करने के लिए उसके पर्सनल फ़ोटो और वीडियो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर बदनाम करने का प्रयास किया गया। महिला को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई और मेरी सभी को खबर ग्वालियर से है, जहां बाल कल्याण विभाग के निर्देश पर श्रम विभाग ने गुरुवार को बाल श्रमिक और किशोर श्रमिक को नियोजित किए जाने के खिलाफ अभियान चलाया और लगभग आधा दर्जन बच्चों ने उसने रिकवर किया है। श्रम विभाग को 4 बच्चे फिलहाल मिले हैं जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, मैकेनिक या होटल पर काम कर रहे थे। इनमें 2 बच्चे 14 साल के कम उम्र के हैं, जबकि 2 बच्चे लगभग 16 साल के बताए गए। वहीं श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाल कल्याण विभाग के निर्देश पर यह अभियान ग्वालियर में लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें बाल श्रमिकों को ढूंढने की कार्रवाई भी की जा रही है और नियोक्ता के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया है, जहां से वो उचित निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। साथ ही श्रम विभाग के साथ बाल कल्याण समिति, महिला बाल विकास विभाग, पुलिस के अफसर भी शामिल थे। बाल श्रमिकों के संबंध में एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए और ऐसे बाल श्रमिक जो नियोजित पाए जाते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के आदेश हैं। तो आज दिनांक 23 नवंबर को हम लोग पूरी श्रम विभाग और महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और विभिन्न विभागों के सहयोग से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी ये यहाँ इस शॉप पर आए हैं, इसका नाम है टोनियन। यहाँ पर अभी 2 बालक मिले हैं, तो उस संबंध में जांच करके कार्रवाई की जा रही है।
सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से विकासखंड सौसर के सिविल अस्पताल में आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाक कान गला स्किन आंख हृदय रोग के साथ ही हड्डी रोग समेत विभिन्न विशेषज्ञों ने शिविर में उपस्थित लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की है। शिविर में लगभग 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वहीं शिविर में आए मरीज एक्सरे और सोनोग्राफी जैसी जांच के लिए भटकते भी देखे गए। मरीजों का कहना है कि शिविर से आम आदमी को निजी अस्पताल के खर्चे से राहत मिलती है, लेकिन ये शिविर नियमित नहीं होती है, जिससे लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे शिविर मंथली होना चाहिए। वहीं सौसर अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन और एक्सरे मशीन बंद है, जिसे जल्द शुरू किया जाना चाहिए, जिससे आमजन को सुविधा मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।